हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। सरकार बनी तो हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। कंडेला कांड में नहीं हूं एक भी आदमी की मौत, कांड तो अब हो रहा है जिसका ताजा उदाहरण है करनाल। निश्चित रूप से होगा तीसरे मोर्चे का गठन, 25 को बुलाई है समान विचारधारा के लोगों की बैठक। रेवाड़ी, कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब सप्ताह समारोह में यह घोषणा की थी कि स्कूल की खिड़की पर जो भी दिखाई देगा तो शंका का समाधान तुरंत किया जाएगा, लेकिन आज की खिड़की सुनी पड़ी हुई है और लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने चोरों की सरकार है जो हाथों से देश को लूटने का काम कर रही है। आज किसान आंदोलन के चलते जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। सड़कों में बने गड्ढे आज वाहनों का रास्ता रोके हुए हैं। प्रदेश का सीएम अपने गृह क्षेत्र में जाने से भी डरता है। इंडियन लोकदल की सरकार में लोग सरकार के पास नहीं आते थे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। देवीलाल द्वारा लगाए गया इंडियन नेशनल लोकदल के पौधे का फल कुछ लोग धोखे से तोड़ ले गए। जेल से निकलने के बाद मैंने किसानों के बीच जाकर उनकी मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता की लालसा में जातपात का जहर लोगों में फैला रहे हैं। सभी लोगों को अपने साथ जोड़े, क्योंकि जात नहीं बल्कि जमात बड़ी ज्योति है। सरकार इलाहाबाद का चुनाव लगातार टालती जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार खाली सीट पर चुनाव कराए जाते हैं। जलालाबाद के चुनाव के बाद यह गठबंधन टूट जाएगा, सरकार में भगदड़ मच जाएगी, उनके मंत्री और विधायक इनकी पार्टी को छोड़कर भाग जाएंगे। सरकार अल्पमत में आ जाएगी तो मध्यावधि चुनाव निश्चित रूप से होंगे। जब लोकदल की सरकार थी तो 3,610 युवाओं को रोजगार दिया था, जिसकी वजह से मुझे जेल हुई। इस बार हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पड़ी और कांग्रेस की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके दोष मिला, यही था कि हमारी सरकार के वक्त में 3,610 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी मिली थी। जिन युवाओं को नौकरी मिले उनकी तो तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, और मुझे 10 साल के लिए जेल भेजना गया। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होना। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको और ज्यादा मजबूत बनाओ और इसके लिए जो शुरुआत क्या हुई है जिन साथियों ने हमारी पार्टी सर, क्या कुछ किन किन से बातचीत होगी और क्या चलेगा आगे? चौधरी साहब के जन्म दिवस पर 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश के सभी प्रदेशों में जो विपक्ष के अग्रणी नेता है उनको निमंत्रण दे करके बुलाऊंगा। समान विचारधारा के लोग जब वहाँ आएंगे तो आपस में विचार विमर्श करेंगे। स्थितियाँ आज ऐसी हैं कि निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे का गठन होगा।